लेकिन यहाँ तो माँ रो रही है, जगत जननी रो रही है, तो सब धरती पर क्यों हुआ पहली बार कि मेरी माँ रो रही है। महसूस हो रहा था कि हम माता के पास आते हैं रोने के लिए जब कोई प्रॉब्लम होता है, तो आज माता रो रही है, ये तो कुछ बहुत बड़ा बात है। हम इनके देखिए माँ का आँख एकदम उजला हो गया, उजला हो गया एकदम उजला। माता जी है जिनको आँख में सांस गिर रहा है। और यहाँ पे मैं अभी गया में हूँ और यही देवी माँ का मंदिर है कि इनके आंखों से आंसू गिरने लगा था और आंचल भर गए थे आंसुओं से। आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, यही जानने के लिए हम यहाँ पे गया में पहुंचे हुए हैं। चलो चलो यहाँ पर है, जैसे लगता है कि माँ का आंख से लोर गिर रहा है। सब जगह एक जेंट्स गया तो माता दो मिनट बाद रोने लगी। कोई कह रहा है कि कुछ मंदिर के अंदर पाप हुआ जो माता रोने लगी। नमस्कार प्रणाम, आप लोग देख रहे हैं TSF न्यूज और जहाँ श्रद्धा की बात आती है वहाँ टिंकू जरूर पहुँचता है। मैं अभी गया में हूँ और यही देवी माँ का मंदिर है कि इनके आंखों से आंसू गिरने लगा था और आंचल भर गए थे आंसुओं से। आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, यही जानने के लिए हम यहाँ पे गया में पहुंचे हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम छोटू कुमार सर। आप इसी मंदिर में आते हैं? जब आंसू माँ का गिर रहा था तब आप उस समय यही पे थे? आया था, उसमें भीड़ लगा हुआ था बहुत सारा। क्या क्या हुआ था? आए यहाँ देखे माता रानी का आँख एकदम ये पूरा व्हाइट हुआ था। व्हाइट हो गया था? हाँ व्हाइट हो गया। और क्या हुआ था? और ये घंटी वगैरह हल्का फुल्का हिल रहा था। घंटी भी ऑटोमेटिक हिलने लगा था? हिल रहा था। वाकई वाकई आप लोग देख सकते हैं कि वाकई ये अद्भुत चमत्कार का कहा जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक फिल्मों में अक्सर देखा जाता है, जहां तक करण अर्जुन फिल्म में माँ काली के मंदिर में ऑटोमेटिक हिलने लगता है घंटी, उसी प्रकार से हिल रहा था। नहीं हाँ, उसी प्रकार। और क्या क्या हो रहा था? और माता रानी का थोड़ा आंसू चल रहा था, आंचल उचल थोड़ा भींग गया था माता रानी का। उसके बाद पूजा पाठ हुआ, बनाया माता रानी का सब बनाया, माता रानी क्यों रो रहे हैं ऐसे से पूजा अर्चना हुआ। हाँ, पूरा चार तो माता रानी मान गए, मान गए, अच्छा से पूजा हुआ माता रानी। सुन रहे थे कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे आई हुई थी? हाँ, प्रशासन भी तो आ गए थे जिस दिन हुए थे उस दिन, प्रशासन 3-4 गाड़ी आई हुई थी यहाँ पर मंदिर को पास। किसी को आने नहीं दे रहे थे प्रशासन में, एक तो भी नहीं। इतना भीड़ भी बहुत सारा लगा हुआ था, भीड़ तो मनी बहुत भीड़ लगा हुआ था। रोड भी कहीं बहुत जगह का जाम हो गया था, ये रोड से पटना हाईवे रोड है। लेकिन सिस्टम का बात करूं तो यहाँ पे है कि आखिर आंसू क्यों आ रहा था, कौन सी ऐसी गलती हो गई थी कि माँ के आंखों में आंसू आ गया था? और माँ के आंखों में आंसू आना यानी धरती पे अत्याचार का ही मामला सामने आता है। ये तो माता रानी का चमत्कार है, माता रानी ही बताएंगे सबको, दिखाएंगे क्या सच्चा है क्या झूठा है। तो माता रानी स्वयं अपने प्रकट होकर देखे हैं। मैंने अभी तक कुछ पता नहीं लगा है कि माता रानी के आंखों में आंसू क्यों आए, ये पता नहीं अभी किसी को नहीं चला। ये माता रानी का हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कीर्तन भजन डेली हो रहा है अभी माता रानी के दरबार में। अभी थोड़ा 2 घंटा पहले माता रानी का बहुत बड़ा भजन हुआ था यहाँ पे। रोजाना भजन होता है? रोजाना होगा, रोजाना होता नहीं था, अब रोजाना भजन गीत गान सब कुछ होगा यहाँ मंदिर के पास में। और अभी क्या इसके बाद मंदिर यहाँ पे बहुत बड़ा बनने वाला है? हाँ, या क्या होने वाला उसके बारे में बताइए। नहीं, मंदिर तो बहुत बनने वाला है क्योंकि माता रानी यहाँ कुमारी माता रानी है, 7 बहन में से 1 बहन है माता रानी हमारी यहाँ का, ठीक है। और ये माता रानी कुमारी है, कुमारी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया माता रानी का सिंदूर नहीं लगाए। ये क्यों लिखा हुआ? ये लिखा हुआ कि कुमारी माँ को सिंदूर नहीं करना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि सिंदूर लगा हुआ है, क्या करें यहाँ पर लोग ऐसा। तो आप लोग यहाँ पे रहते तो मना नहीं करते हैं? मना बहुत करते हैं, भीड़ कभी कदर इतना हो जाता है तो हम लोग थोड़ा सा बाहर चल गए कुछ काम के, तो उतना देर में कोई ना कोई उतना देर में लगा देते हैं। अब किसी का हाथ तो नहीं रोक सकते भैया कि ये माँ का रानी का चरण आए जो भी अपना। नहीं तो इस पे यानी ध्यान दीजिए आप लोग, और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप अभी आप लोग देख सकते हैं कि यही माता रानी का जो प्रतिमा है, जो कि इसी आंखों से आंसू निकल रहा था, और आंचल भी भर गया था। और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिर माता रानी की आंखों में आंसू क्यों आया। क्या नाम है सर? मनीष कुमार नाम है। यहीं पे रहते हैं आप? नहीं, हम माता रानी के आंखों में आंसू क्यों आया?
ये नहीं पता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है, भीड़ लगा तो हम लोग आए देखे। अच्छा वो जिस समय आंसू निकल रहा था आप आए हुए थे? हाँ उस टाइम जब आ रहा था हम लोग तो देखे यहाँ आग उठा था, पानी वाकई आंसू निकल रहा था माता रानी अपना अपना भींगा हुआ था पानी पानी से था, तो आदमी देखे हम लोग। और आंख भी ऐसे बता रहे थे कि अब पलट गया था, आंख तो है ये नहीं था, वो जो ब्लैक वाला है अच्छा, अच्छा, नहीं व्हाइट हो गया था, व्हाइट हो गया था, उसको पता ना अब लगाया गया है क्या है नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ आंख व्हाइट था। छोटा सा बच्चा है क्या देख रहे हो लट्टू, माता रानी के आंख में आंसू निकल रहा है? यस सर निकल रहा था। yes. आप लोग आए हुए थे जब माता रानी के आंसू निकल रहा था तो आप आए थे? नहीं हम आए उसको नहीं थे कि माता जी है जिनको आंख में से आंसू गिर रहा है, माता रानी के आंख में से आंसू गिर रहा है, माता रानी का आंसू गिरा था ऊपर से है ना आंख है ना जो उजला हो गया था अपने आप, उजला हो गया था कल आंख है ना माँ का तो नहीं था पूरा उजला हो गया था अपने आप। वो देखे कि हम भी आके देखे कि सही भगवान जी रोते तो सब बोला कि पंडित को ना पूजा करने के कारण भगवान से मतलब अति हो गए, वही कुछ नहीं होता था, सभी लोग देखने के लिए आए कि देखे कि भगवान जी क्यों होता है सुबह शाम होता है झाड़ू पोछा होते हैं। तो यही खबर हमें दिखा रहा था गया से, जय हिंद। Yeah.